का जितने हम ज़्यादा नंबर यूज़ करते हैं हमारा नॉलेज उतना करेक्ट होते जाता है और उतनी हमको डिटेल मिलती है। यदि मैं ये पूछूंगा कि यहाँ से बॉम्बे कितना दूर है, तो एक आदमी मुझे इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि बॉम्बे 3000 किलोमीटर दूर है, दूसरा आदमी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है कि बॉम्बे एग्जैक्टली 3200 किलोमीटर दूर है। इन दोनों में से मुझे इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तीसरा आदमी बताता है कि आपको जहां पर जाना है, जिस कॉलोनी में जाना है, उसका डिस्टेंस यहां से 3250 किलोमीटर है। नाउ दिस इज ए इंफॉर्मेशन। आउट ऑफ दीज थ्री इंफॉर्मेशन विच हैज गॉट ए बेटर क्वालिटी, वॉट क्वालिटी? We know that this has got a better quality. उस quality का नाम क्या है? उस quality का नाम है precision. तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 3 है, इसमें 3 और 2. There are 2 and here there are 3 digits given to us. So one thing we understand, more digits will be given to us, more will be the precision, more will be the quality of that information. So we need more digits for precise. What is that quality known as? Precise. Okay, so precision. More are the figures. Now, another thing. Do we really need so many figures? मुझे यहां से बॉम्बे जाना है और मुझे एस्टिमेट बनाना है कि कार में कितना पेट्रोल लगेगा। अगर मैंने किसी से पूछा, उसने कहा कि बॉम्बे करीब 3000 किलोमीटर दूर है, आप 3500 के लायक पेट्रोल डलवा लेना। इज दिस इंफॉर्मेशन गुड फॉर मी? यस, इट इज गुड फॉर मी। क्या उस समय मैं इंसिस्ट करूंगा कि नहीं, ये भी बताओ कि वो 50 किलोमीटर भी है कि नहीं, तो मैं उसका भी पेट्रोल डलवाऊंगा? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? My requirement is only this. Maybe for some other case, if I am paying certain charges to a taxi and that taxi is charging for each 100 kilometer, then I need this information also, that it is 3200. So I need this second digit also. And maybe for some other information, I will need third digit also. So, for different use, for different purpose, we need more and more numbers here. और उसका precision increase होता जाएगा, उसकी quality information की, उस number की increase होते जाएगी. But we have to see both the sides. अगर मैं हर तो जैसा हमारा यूज होता है उतनी डिजिट्स हमको चाहिए। अगर हमको ये पूछना है कि यहां से मार्स का डिस्टेंस कितना है, मुझे जाना नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फॉर कैलकुलेशन पर्पज। सो समबडी सेज द एवरेज डिस्टेंस इज 225 मिलियन, द मिनिमम डिस्टेंस व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू इट, it is 56 million or 52.6 million. The largest is 500 something million and the average is 225 million. If somebody tells me it is 225 million, 225 and after that 1, 2, 3, 4, 5, then it is a good enough information for me. मेरे लिए ये information काफी है, मैं उसको ये insist नहीं करूंगा कि बताओ कितने thousand है, whether it is 70,000 or it is 20,000, 25,000 है तो 100 भी बताओ। Do I really need this information? No, I don't need that. तो फिर से मैं बताना क्या चाहता हूं कि कभी हमें कम डिजिट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए और कभी हमें ज्यादा डिजिट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन अवर एंड यूज। अगर ऐसा होता है और हमारे पास ज्यादा डिजिट्स की इंफॉर्मेशन है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते?
तो आंसर है जब हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है लेकिन हम छोटी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे मैंने किसी को फोन किया मारुति शोरूम में कि भाई मुझे एक कार खरीदनी है एंड दैट विल बी से मारुति स्विफ्ट, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना बजट बनाना चाहिए, तो मारुति स्विफ्ट की कीमत क्या होती है? आई डोंट नो एट ऑल। मुझे मालूम है कि स्कूटर की जो कीमत होती है दैट इज इन फ्यू थाउजेंड्स, 50,000, 60,000, लाइक दैट। कारों की कीमत 2 लाख से शुरू होती होगी, ज्यादा से ज्यादा 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे जाती है। तो जब मैं उससे मारुति स्विफ्ट की कॉस्ट पूछता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मुझे बताएगा कि ये 4 लाख की है, 5 लाख की है या 6 लाख की, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। माई कंसर्न इज दिस, this is my concern, but he tells me, wait, I am telling you the exact one. He tells me that the cost will be 5,025,372. This is the cost. Then do I need this? No, because what I am worried about it, what I wanted to know, this thing, how many lakh of rupees I should prepare. So for me, this one digit is important. This is not important, rather this is not required. So sometimes we need it, sometimes we don't need it. Okay, this has got a very good quality, very good precision. It gives the exact value, but at this moment I don't need that. When I have to write a check, yes, then I will ask it that you please go up to the last rupee, I want to save that. At that time I need this information complete when I am writing the check, but when I am preparing for money I need only this much. If I know it is about 5 lakh, I will make a preparation for 5.5 lakh and then I will go to the showroom. So that means for any information in numbers we decide that how many digits we need, whether we need 1, 2 or 3. Now we have this information available with us. Okay, so I want information only in lakh and thousands. 100 doesn't matter to me. For everybody it's like that. If I'm going to buy a car, I will simply ask how many lakh, how many thousand. Whatever is the rupees doesn't matter to me, and that he fellow informed me. What he tells me that you should prepare for 5,025,000. Now my information has spread up to 3. Good. This information is better than this information, of course, but still. What I want to tell you is ये तीनों मुझे नहीं चाहिए. Okay, अगर ये नहीं चाहिए, इधर के डिजिट नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है फिजिक्स में? तो इसके लिए फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, वी डू ए प्रोसेस. प्रोसेस फॉर what? इट हैज गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स. आई वॉन्ट ए प्रोसेस सो दैट आई कैन रिड्यूस इट टू 3 डिजिट्स. I want a process so that I can reduce it to 1 digit. Do we have such a process? Answer is yes. We have a process, and what do we call that process? Rounding off. Rounding and off. There are two words. So if I have this information with me, 525 and 372. And I need only how many lakh, how many thousand. Then this I do not need. So what I will do? I will simply make a round and I will make it off. And what is that process? That process is off. Now, if I round it off, does it make any difference to the number? Suppose
this is 525999. 5999. 5999. And I say, I am not concerned with hundreds. Round it off. So, what do I get? 525,000. But then I think 5,999 is as good as 6,000. So 5,000 has lot of error. This is not a good quality figure. So it is better, this 5,909 is very close to 6,000. So why don't I prepare for this 6,000 rather than making it 5,000? So, for the rounding, we have made certain rules based on this experience. What are the rules of rounding? Rules of rounding off. This you have done in mathematics. We will simply revise it here. First, we have to decide how many digits are to be kept and how many digits are to be rounded off. They will not be deleted. Wo khatam nahi honge, rahenge. Lekin wo sab ko hum kya bana denge? 000. All will be made 000 and we will keep important figure only, jo humko chahiye. Ab yahan par humko 1, 2, 3 digits chahiye. So we want to keep 3 digits. और बाकी के लिए क्या करेंगे? रेस्ट, राउंड ऑफ. सो द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, वी विल सी द फर्स्ट डिजिट, द हाईएस्ट डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड. दिस इज द फर्स्ट डिजिट, दिस वन विच इज टू बी ड्रॉप्ड. रेस्ट वी आर नॉट कंसर्न, और रादर आई शुड से दे आर वेरी स्मॉल. सो our action is based on the highest one. जो सबसे बड़ी यानी सबसे इधर की digit होती है उस पर हम rounding off depend कराते हैं. तो इसको हम देखेंगे, the digit to be rounded off, it may be less than 5, it may be more than 5. So if इस डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, आंसर है इस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं. ड्रॉप करके हम इसको क्या बना देंगे? जीरो. तो वर्ड कौन सा यूज करना है? ड्रॉप. सो द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5. इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, दिस लाइक इफ दिस इज 5, 2, 5, 4, 3, 2, 1. And I want to keep 3 digits. 3 I want to keep. So which one I want to drop? 4 and others. This is which will decide my action. Action kahan se decide hona hai? Jisko rakhna hai, uske baad jo first digit hai, that is to be dropped. If this is less than 5, then it is dropped. Preceding, who is preceding digit? This one, which I am going to write. So this is preceding. इसको जब हम drop करते हैं तो इसका effect इस digit पर आता है. ये सब zero हो जाएंगे, ये as it is रहेंगे. इस digit पर effect आएगा, ये याद रखिए rounding off में. अब इस पर क्या effect आएगा? If this is less than 5, there is no effect on it. So ये कितना हो जाएगा? This will be 5, 2, 5, and this whole thing is dropped off. 0, 0, 0, 0. Lekin yaad rakhiye, 1, 2, 3, 4,
देयर हैज टू बी फोर जीरो, इसको हम लोग कम नहीं कर सकते, नो रूल अबाउट दैट, बिकॉज इससे हमको इसका प्लेस वैल्यू पता लगता है, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड. अगर हम इसमें एक लेस कर देंगे देन दिस विल बी 5000, नाउ इट इज 50000. सो दैट 50000 वैल्यू वी कैन नॉट चेंज, वी कैन ओनली चेंज 4321. दिस ऑल वी कैन ड्रॉ, बट दिस 5 स्टैंड फॉर 50000 व्हिच वी शुड नॉट चेंज. देयरफॉर वी हैव टू प्लेस हियर 4 जीरोस. Okay, so this is rounded off to 3 digits and we have dropped 4. Now, suppose the given number is 3-digit number. This is my requirement. 1, 2, 3. And I don't want rest of the digits. What to do? Drop it. The next digit should be dropped. कौन सी digit drop करनी है? 6. अगर हमको 6 को drop करना है, then we will check whether it is less than 5. अगर less than 5 होगा तो इसको drop कर देंगे and we will convert everything to 0. But if it is more than 5, then again before dropping it, before making it 0, this will be affected and this will be increased by 1. Increased by 1. And this will become 5, 2, 6, and now these are dropped, 1, 2, 3, 4, this. So, we have 3 digits, but the effect is seen here. Aur ye bilkul logical hai. Kyun logical hai? 56, 50 ke closer hai, ye 60 ke closer hai, to answer hai, it is closer to 60. Therefore, 56 ka 60 ho jana logical. Therefore, whenever we are dropping more than 5, this preceding number is increasing by 1. Okay, these are the rules. Mathematics mein aapne isko short mein padha hua hai. Now, this is the second rule. Should we write it? Okay, we do write. See once again here. If digits applied are more than 5, ye isko humne drop karna hai 7 ko. 7 को ड्रॉप करना है, हमने चेक किया इट इज मोर देन 5, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा द प्रीसीडिंग डिजिट, यानी इससे पहले वाला डिजिट, इसको हमने क्या बना दिया? इंक्रीज बाय 1, 6, और बाकी सबको 0 कर दिया ड्रॉप करके. दिस इज द वन. अब थर्ड देखिए, इफ इट इज नाइदर लेस देन 5 नॉर मोर देन 5, इट इज एग्जैक्टली 5, और 5 की निशानी क्या है? It should have all zeros here. अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा, then it is more than 5. फिर ये, it will go closer to 6000. So, if it is only 5, or 5 succeeded by 000, then it is exactly at the mid value. ये बिल्कुल बीचों बीच है. तो इसको drop करने के लिए क्या करना है? क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, इसलिए इसको ड्रॉप करने के लिए थोड़ा सा स्पेशल रूल बनाए गए और हम इसको ऑब्जर्व करते, इसको ऑब्जर्व करते, नॉट दिस. इसको क्या हमने ऑब्जर्व किया? दिस मे बी एन ऑड नंबर और दिस मे बी एन इवन नंबर. तो अगर ये ऑड नंबर है तो क्या होगा? लिख लेते हैं. इफ preceding digit is odd, then increase it by 1.
देन इंक्रीज इट बाय वन, यानी ये फाइव का क्या हो जाएगा सिक्स. सो दिस विल बी इन दैट केस 5 2 6 0 0 0 1 2 3, तीन डिजिट में राउंड ऑफ हो गया. ओके, अब इसी का रूल बी. सपोज वी हैव ए नंबर 5 2 4 और 5 2 6 0 0 5 2 6 5 0 0 0 एंड वी वॉन्ट थ्री डिजिट. Convert to three digits. That means we are supposed to write numbers only at three places. तीन जगह पे हमको नंबर लिखने हैं, बाकी सबको जीरो करना है, यानी सबको ड्रॉप करना है. तो हमको इसको ड्रॉप करना है फाइव को. This may be anything that hardly matters. Okay. So we have to drop this five. Sorry. We are taking this special case 0 0 0. Okay, we have to drop this. Now, we find that it is all 0, 0, 0 and it will come under the category of rule number 3. Rule number 3 says, if preceding digit is even, then we will drop it, but this will not increase by 1. यहां देखिए, if preceding digit is odd, then increase it by 1. इंक्रीज किया हमने और इस फाइव को क्या बना दिया सिक्स. लेकिन अगर ये सिक्स है तो इसको सेवन नहीं बनाना है. सो वी विल राइट इट हो जाएगी 5 2 6 एंड ऑल दिस विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0. अगेन इट इज थ्री डिजिट. सो देयर इज नो जस्टिस और अनजस्टिस इन दैट. दीज आर द रूल्स, 5 ऑड डिजिट्स एंड 5 इवन डिजिट्स. ऑड डिजिट अगर होंगी तो उसमें इंक्रीज होगा और अगर इवन डिजिट होंगी तो उसमें इंक्रीज नहीं होगा. देखना किसको है, जिसको ड्रॉप करना है उसको नहीं देखना, उसकी प्रेसीडिंग को देखना है, उसकी प्रेसीडिंग को देखना है. ये अगर ऑड है तो इसको 1 इंक्रीज कर दीजिए और ये अगर इवन है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगी. सो दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ. तो इससे हमने एक चीज ये सीखी कि अगर हम ज्यादा डिजिट्स का नंबर हमारे पास अवेलेबल है और उसको कम डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, then we are able to do that. क्यों हमको इसकी जरूरत है? Because we don't want to keep so many things in our memory. It will make it complicated. हमको सिर्फ दो ही डिजिट चाहिए. तो अगर हमको कार की कीमत चाहिए तो हमको ये चाहिए कि वो कितने लाख कितने हजार में आती है, उसमें कितने सौ और कितने रुपए लगेंगे, उस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत नहीं है. सो वी वॉन्ट टू रेक्टिफाई इट एंड वी वॉन्ट टू मेक इट ओनली अप टू थ्री डिजिट्स. So this is the method rounding off. इसका ये मतलब हो गया पहली चीज कि हमारी जैसी requirement है उतने digit का number हम लेना चाहेंगे. अगर ज्यादा digit लेंगे तो हमारे information की quality increase हो जाएगी. उस quality को हम क्या कहते हैं? Precision. 5 लाख रुपए की car एक rough estimate है, पर 5,25,482 रुपए है, that it is a precise value. और वो वैल्यू हमको चेक लिखने के लिए चाहिए. सो वी नीड प्रेसिजन. और प्रेसिजन हमारा कैसे इंक्रीज होता है? वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर्स. लेकिन हर बार हमको वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. अगर मुझे बजट बनाना है, अपना बैंक बैलेंस देखना है, तो मैं देखूंगा बैंक में 6 लाख रुपए है कि नहीं है, 5 लाख है कि नहीं है, 419 रुपए है कि नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए.
So I need only two digits or three digits. So there I need a rounding off. So any information we decide कि हमको उसमें कितने significant figures चाहिए, significant, important. कितने important figures हमको चाहिए, ये हम फैसला करते हैं. So this is basic or fundamental of significant figures. Okay, we'll proceed further. Next thing which I want to tell you is, ये जो digits होते हैं, इनकी फॉर हमने दो category बनाई है. That is certain and uncertain. ये जो दो कैटेगरी हैं, इसे देखिए ये किस तरह से है. सर्टेन एंड अनसर्टेन. अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक हमारे पास फिगर है 525 432. बिकॉज आई डोंट नीड सो मच, मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे तीन ही डिजिट चाहिए, तो मैं इसको राउंड कर लेता हूं. और ये तो मैंने जब कार का कॉस्ट पूछा सेल्समैन ने, तो वो हंड्रेड्स में बताना तो जरूरत नहीं थी, तो उसने बोला कि साहब 525,000 रुपए की होती है. 525,000, 525,000 इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, प्लस माइनस फ्यू हंड्रेड्स, डजंट मैटर. ओके, अब इसमें देखिए कितने डिजिट है. 1, 2, 3. ये जो तीन जीरो है, ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देते. ये जो तीन लोकेशंस है, वंस, टेंस, थाउजेंड, दे आर नॉट गिविंग मी एनी इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन कब देंगे? अगर ये लिखा होता तो इंफॉर्मेशन मिलती, अभी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है. देन व्हाई डू वी राइट इट? वी राइट इट सो दैट दे विल गिव मी द प्लेस वैल्यू. अगर ये तीन लिखे तो पता लगता है कि ये 25,000 है, अदरवाइज नहीं होता 1,000. एनीवे, सो दे आर नॉट गिविंग मी इंफॉर्मेशन. दीज आर द थ्री विच गिव मी इंफॉर्मेशन. ये जो तीन डिजिट है, इसमें लैक कितना है? 5 लाख. श्योर, आई एम वेरी श्योर कि 5 लाख पक्का है. ये क्या बताता है? 20,000. श्योर, यस, 20,000. ये 21 होगा क्या? नहीं. ये जो है, विल इट बी, सॉरी नॉट 21, विल इट बी 30,000? नो. विल इट बी वेन 10,000? नो. तो ये डिजिट 2 पक्का है, सर्टेन. सो दिस इज सर्टेन, दिस इज ऑल्सो सर्टेन, दिस. Is it certain or not certain? The answer is, it is not certain. Why it is not certain? Because हमने इसके बाद कुछ round about किया है, round किया है. Actually ये 5 नहीं है, ये 5.5 है. देखिए 5,400 किसके नजदीक होता है? 5.5 के नजदीक होता है. So this 5 is not exactly 5 lakh. Is exactly 5 lakh. This 20 is exactly 20, क्योंकि इसके ऊपर 30 है, इसके नीचे 10 है. ये दोनों नहीं है, surely 20 है. पर ये जो 5 है, इसके बाद हमने कुछ round off किया है, तो ये 5 की value exact 5 नहीं है. It may be less, it may be more. फिर से देखिए, if I have this figure like this. If I have a figure, this is 5, 2, 5, 7, 3, 5. Round it for 3 digits. 3 digits. 5 lakh, any change? No. 2 lakh, certainly it is 20, so this is also 20 place. This 2 represent 20,000. Certain. Certain. Ye 6. Is it exactly 6? Answer is no. It is rounded to 6. It is rounded to 6. Here, is it exactly 5? No. It was 5 and 4. This is rounded to 5. This is rounded to 6. So this last digit is not certain. Toh humne ek
नियम याद कर लिया दैट वेयर एवर वी हैव इंफॉर्मेशन इन द डिजिट्स द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अनसर्टेन अनसर्टेन and these two are certain. Okay, I have a number 231.7500. In this, see, for the last digit other than zero, because zero is only giving the place. Okay, as such, these zeros are of no use because they are after decimal. So I put it this way. Suppose this is the number given to me. That will be a mistake. We will come to that later on. If this is the number, in this, this is certain, this is certain, this is certain, this is certain. The last is uncertain. Agar iske baad kuch nahi likha to, kuch likha hai, तो लास्ट डिजिट वो अनसर्टेन हो जाएगा. सपोज इट इज 2, देन दिस 2 इज अनसर्टेन. सपोज इट इज 0, दिस 0 इज अनसर्टेन आफ्टर डेसिमल, बट दैट रूल वी विल सी लेटर व्हेन वी गो टू द सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग हियर. सो लास्ट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर इज अनसर्टेन. ये एक रूल हमने याद कर लिया. Please remember this rule. If somebody asks me, आप कपड़ा खरीद कर लाए हैं कितना है, कपड़े का साइज हमने आपको बोला this is 12.6 meter. This is certain, this is uncertain. 12.6 meter हमारी स्केल पर निशान लगे हुए हैं. ये दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8. यहां से मैंने लेंथ नापनी शुरू की है और वो लेंथ यहां आकर स्टॉप हो गई. दिस इज क्लोजर टू 6 और यहां पहले नीचे क्या आ चुका है 12. So 12.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मुझे ये लेंथ कितनी लिखनी है? चूंकि 6 और 7 के बीच में लाइन नहीं है, तो आई गो टू द नियरेस्ट वन. इसका नियरेस्ट कौन है? 6. इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? 12.6. अब आप बताइए, 1 और 2 कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है. 12 मीटर वॉज कंप्लीट हियर. इस लाइन में 12 मीटर श्योर है, दैट इज सर्टेन. इज दिस 6 सर्टेन? आंसर इज नो. दिस 6 इज लिटिल फॉल्टी, इट मे हैव लिटिल एरर. ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है. अगर ये लाइन हमारी यहां खत्म हो जाती, यहां पर, तब भी हम इसको क्या लिखते? 6. यहां खत्म हो रही है तब भी क्या लिख रहे हैं? 6. सो 6 इज अनसर्टेन. सो लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अनसर्टेन. अगर 6 के बाद और पॉइंट्स होते जैसे दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लाइन हमने देखी दिस कम्स बिटवीन 2 एंड 3, फिर मैं देखता हूं क्लोजेस्ट किसके हैं, ये क्लोजेस्ट 2 के हैं, सो आई राइट हियर 2. नाउ अब ये 6 एस के बाद हो गया, इज इट सर्टेन? Yes, now it is certain. क्यों? 6 को तो इसने पक्का है पार कर लिया है, तभी तो ऊपर का डिजिट आया ना, नहीं तो नहीं आता. तो ये सर्टेन हो गया. लेकिन ये 2 और 3 के बीच में आया है जिसको मैंने 2 लिख दिया, तो क्या ये 2 पक्की रीडिंग है? आंसर है नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली ए 2, थोड़ा सा उससे ऊपर गया या थोड़ा सा नीचे रह गया. अब ये अनसर्टेन हो गया, ये सर्टेन हो गया. सो अनसर्टेन डिजिट हमेशा कौन सी लेनी है? विच एवर इज द लास्ट डिजिट.
दैट इज अनसर्टेन। ओके, एरर के चैप्टर में जाके हम फिर इसको एक बार पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं उसका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज द एरर, और वही उसकी लास्ट डिजिट होती है। तो लास्ट डिजिट का यूनिटरी हमेशा ये अनसर्टेन डिजिट होती है। ओके, सो नाउ अगेन वी कम बैक टू सिग्निफिकेंस, हमारे लिए कौन सी डिजिट इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं उसी फिगर पर आता हूं, 5,25,000। तो मुझे इसमें कितनी फिगर्स चाहिए थे, 3। सो आई आस्क हाउ मेनी लैक्स, हाउ मेनी थाउजेंड, 5,25,000, हंड्रेड्स नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट। सो दीज आर द 3 फिगर्स आई नीडेड। ओके, तो इन 3 फिगर्स में 2 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है, ये भी हमको पता है। ओके, तो सो इन दिस नंबर दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन एंड दिस इज अनसर्टेन। सो 1 अनसर्टेन फिगर एंड ऑल अदर सर्टेन फिगर्स। अनसर्टेन कितने होंगे, 1 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, लास्ट डिजिट ही होता है। बट ऑल सर्टेन फिगर एंड अनसर्टेन फिगर, ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सो इन एनी नंबर ऑल सर्टेन प्लस अनसर्टेन फिगर्स मेक सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है। फिर से सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, विच आर इंपॉर्टेंट, विच आर गिविंग नॉलेज टू अस, विच आर रिक्वायर्ड बाई अस, दोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एनी इंफॉर्मेशन which contains numbers. So information in the form of numbers has got some important digits and some digits which are not important. And those important digits, the number of those important digits are known as significant figures. Okay, अब इसी चीज को हम टेक्स्ट में नोट कर लेते हैं, what is meant by significant figures. This is How we count it. पर significant figures की definition क्या होगी, देखिए उसकी definition। We can make a definition like this. It says significant figures in a given numbers are those digits which are containing important information, which contain important information. Definition to theek hai, but what are the rules to count significant figures? Abhi tak hum log jo baat kar rahe the wo ye thi ki significant figures ka meaning kya hai. So now you understand. फिर से बिफोर प्रोसीडिंग टू द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट वी हैव डन सो फार, नंबर 1 हाउ मेनी डिजिट्स, नो नंबर 1 व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स इन ए गिवन नंबर, आंसर दे गिव अस नॉलेज अबाउट दैट नंबर, राइट। इफ देयर आर मोर डिजिट्स देन वी से दिस नॉलेज इज बेटर, what is the name of that quality which we are saying better, answer that is precision. Okay, so if there are more numbers, more digits, then we say precision is more and that is a very fine knowledge. Okay, third thing, do we always need to write more and more digits, answer no,
for the purpose of our end use, we may decide, we decide ourselves how many digits we need and how many digits are not important for us. Then, if an information contains a large number of digits, can we make it short digits, less number of digits? Answer is yes. In mathematics, there is a process available known as rounding off. And with that rounding off, we can always decrease the number of digits. We have no method to increase them. For that, we need information. But if there are large number, then we can round off and decrease the number of digits. Then comes what is certain and what is uncertain number, certain or uncertain digit in a given number. Whenever information is given in the numbers, then the last digit is always uncertain, because that is not the exact value. After that, there may be a small value which has been rounded off. Therefore, last digit is always uncertain. So if any information is given to us in numbers, then this last uncertain digit and before that, whatever are the certain digits, if we combine them, then this total numbers, the total digits are known as significant figures. There may be 2, there may be 3, there may be 4, there may be 12. It depends on us. How do we do that? Okay, so these are the significant figures. And now we will start. How do we calculate the significant figures, or how do we decide which are important and significant figures? Okay, so now we will study rules to count significant figures. This study we will make in 3 steps, in 3 type of numbers. Our first type of numbers will be the whole numbers or the integers. In case of integers, all digits are significant figures except trailing zeros. There is a number given to us, 63721. 1, 2, 3, 4, 5. So this has got significant figures, 5. Significant figure mein humko kya likhna hai? To answer hai, significant figure mein humko count of digits likhna hai. Kaun si digit hai, ye nahi likhna. To yahan par humko ye 637 nahi likhne. Humko sirf ye likhna hai ki kitne number significant hai. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Now, suppose I have this number, 63,000. In this, the trailing zeros, these are not significant. Trailing matlab, last mein aane wale, ye non-significant hai. Aur ye dono significant hai. ये सिर्फ प्लेस वैल्यू के लिए है और ये राउंडिंग किए जा चुके हैं. सो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट टू अस. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने थाउजेंड है, 63,000. और ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देते कि कितना हंड्रेड है. नो इंफॉर्मेशन. सो नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन. इफ दे हैव नो इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट टू मी. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2. Okay, this is the rule. So if I have this 3, 2, 1, this is 1, 2, 3.
ट्रेलिंग मतलब पूरे लास्ट तक जीरो ही होने चाहिए, इधर कोई नंबर नहीं आना चाहिए, देन ओनली इट इज ट्रेलिंग. सो इट हैज गॉट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ वी गो टू द सेकेंड रूल. इफ जीरो अपीयर बिटवीन टू If zero appear between two digits, they are significant. Like, if it is like this, 3-2-1-0-0-5, 3,21,005. इसमें information किस किस के पास है? इस digit के पास, yes. Lakh कितने हैं? 3. Tens of thousand, 2. One thousands, 1. 21,000. How many hundreds? इसको important बोलेंगे या नहीं? Answer है yes, it is important because अगर यहां पर 1 होता तो ये 100 होता, 9 होता तो 900 होता, पर यहां पर 0 है तो 0 क्या दिखाता है? That this place is filled with 0. अगर ये round about वाला 0 होता तो क्या होता? ये पूरे 0 होते. Because it is not that rounding zero, therefore it is important. ये हमको place की value देता है कि hundreds, इस पूरे number में बताइए कितने hundreds हैं. Zero. Are we certain? Yes, we are certain. There is zero. इसमें अब uncertain figure कौन है? Uncertain figure last? 5. ये 5, 5, 5.5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है. पर 100 पक्का है. 100 या 900 नहीं है, 0 ही है, that is sure. तो जब 0 बीच में आ जाता है, इधर भी उसके डिजिट आ जाएगी, then this becomes significant and this represent a number and that number is 0. उस समय ये significant बन जाता है. लेकिन अगर ये ऐसा होता तो ये 0 हमको information नहीं देता, ये किसी rounding off का result है. Suppose that is 63251. इसको हमने राउंड किया तो क्या हो जाएगा? 63000, क्योंकि हमको दो डिजिट रखने थे. अब ये वाला ये अनसर्टेन है और ये सिर्फ प्लेस वैल्यू देते, पर जैसे ही हमने ये लास्ट में रखा, दिस इज राउंडिंग इज नॉट डन. तो ये अब राउंडिंग वाला जीरो नहीं है. Now this has got a place. तो हमने रूल क्या बनाया? If there are zeros between any two digits, maybe 10, 20 or 7 zeros, does not matter. जितने भी जीरो आएंगे, अगर लास्ट में एक डिजिट आ गया, then they become significant. So, significant. तो अब इसमें significant figure कितने लेने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. These are the significant figures. ये जीरो का रूल हो गया. ओके, देन दीज आर द इंटीजर्स. इंटीजर्स के दो रूल हो गए, ए एंड बी. नाउ वी गो फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स. फ्रैक्शनल मींस व्हाट? डेसिमल. ओके, सो सी, फ्रैक्शंस दैट इज डेसिमल. In decimal, again, we take pure fraction, pure decimal number, which start from zero decimal something. No number here. These are pure fractions. So this is 0.005230, this. We have to count in it. अब इसमें देखिए, हमको मालूम है जो जीरो प्लेस वैल्यू बताते हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है. इसमें ये जो दोनों जीरो है ये प्लेस वैल्यू बताते हैं, दैट द नंबर हैज ए प्लेस वैल्यू 1/1000.
ये दो जीरो के कारण ये पांच कहाँ चला गया, 1/1000 में चला गया ये, यहाँ होता तो 1/100 में होता, यहाँ होता तो 1/10 में होता, और यहाँ होता तो 1 में होता। सो ये सिर्फ प्लेस वैल्यू के लिए है एंड दे डू नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स, सो दीज आर Not significant. तो significant कौन है? This is significant. Of course, integers are significant. So these are significant. Now, ये जो last zero है, इसका rule आपको याद रखना है. This is what I was discussing, कि ये significant है या non-significant है. देखिए किस तरह से. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth place है ये. After decimal, sixth place. इस sixth place में, sixth place में कितना number है? We don't know. कुछ नहीं लिखा हुआ. No information. इस sixth place में कितना number है? Two. There is information. No information. So we are not sure कि यहां पर, अगर यहां पर 2 था तो rounding में वो 2 चला गया, ये 3 है. अगर यहां पर 3 था तो वो भी rounding में चला गया. We wanted only 3 digits, इसीलिए उसको हमने drop कर दिया. Round off हो गया, drop हो गया. But if we write a 0 here, then we are certain कि यहां पर 1 नहीं है, यहां पर 9 नहीं है, यहां पर 6 नहीं है, यहां कौन है? 0. Sure. अब हमको किस प्लेस की इंफॉर्मेशन नहीं है? आंसर है, इस प्लेस की इंफॉर्मेशन नहीं है. 1, 2, 3, 4, फिफ्थ की इंफॉर्मेशन नहीं है, पर फोर्थ की इंफॉर्मेशन है. सो दिस 0 इज गिविंग मी दी इंफॉर्मेशन. तो याद रखिए, जो डेसिमल, प्योर डेसिमल होते हैं, डेसिमल के बाद जो लास्ट जीरो होता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर दिस इज सिग्निफिकेंट. सो हियर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई हैव? 1, 2, 3, 4. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो वी हैव टू काउंट दिस जीरो एंड दीज 2 जीरोज विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट. So this is rule for decimals. So the zeros on the left side are not significant, zero on the right side are significant. So this is rule 1 for the decimal numbers. And now we go for the second rule. The second rule is that if there are zeros between two numbers, maybe it is a decimal. It is like this, that if this number is 2.005230, then these two zeros जो पहले शुरू में थे अभी बीच में आ गए, इधर भी एक इंटीजर, इधर भी एक इंटीजर, and now they not, वो अब सिर्फ प्लेस वैल्यू देने वाले जीरो नहीं है, अब वो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं. क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? कि यहां पर 1, 2, 3 नहीं है, 0 है. What is this? 1/10. That is first place after decimal. Second place after decimal, there is 0. There is not 1, 2, or 3. So, in this, they have appeared before, between two integers. Therefore, they are significant. Significant. और ये तो पहले से ही significant है. इंटीजर सिग्निफिकेंट होता है. हाँ, ये जो जीरोज अगर हम इसके पहले लगा देंगे, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर सिग्निफिकेंट, लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट, याद रखिए. सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 significant figures. These 2 are not significant figures. तो हमारा नियम क्या बन गया? Fractions और decimal में trailing zero, last zero,
zero zeros on right, significant. Zero on left, only zeros on left, not significant. Which case? This case. Then zeros between two integers. Significant. These are significant because they are between. These zeros are not between two, so they are not significant. Agar main yahan par one likh dunga, they will become significant. Now they are not significant. Right? So now I hope you understand this. Okay? So after this understanding, the questions are asked. The first type of questions are, they will give you certain numbers and ask you whether how many significant figures are there in those numbers and what are the rules for that. Okay. Significant figures mein kai baar humko bahut confusion hota hai when the numbers are very large. And one of the best method is to convert those numbers into unitary numbers. Convert it to unitary multiplied by 10 to the power. Like, if I have a number which is 100350, how many significant figures are there? Okay, abhi tak jo rule hai, wo to humne lagaya. This is not a decimal. Agar decimal nahi hai, to trailing zero non-significant hai. To ye non-significant ho gaya. So significant, ye dono zero, they are between the two digits, therefore they are significant. So 1, 2, 3, 4, 5. How many significant figures are there? 5. Okay, abhi jo main aapko tarika bata raha tha, convert it into 10 to the power. 1, 2, 3, 4, 5. 5. And how much will be there? 1.0035. बस इसको नहीं लिखना है. दिस नाउ यू काउंट इन दिस 1, 2, 3, 4, 5. द आंसर इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगेन 79,000. दिस इज 7.9 इंटू 10 टू द पावर 4. दिस ओके. अगेन 00.305 00. This we will write as 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5. Here I want to write 3.0500 into 10 to the power. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 6. So we are not concerned with this. We are concerned with this. 1, 2, 3, 4, 5. So after decimal, the trailing zeros are significant. Therefore, this has got 5 significant figures. So this is one way. Make it a unitary number. Then, unitary multiplied by 10 to the power something. Then count significant figures in this. And that gives you the exact number of significant figures. This is how we can count. Now, in physics, in our calculations, we bring observations from different channels. Some observation comes to me with 5 significant figures. Other information comes to me with 2 significant figures, and I am supposed to operate. Un dono ko maine mathematical operation karna hai, addition karna hai, multiplication karna hai. We have to do something with that. And we will find a result. Us result mein kitne significant figure hone chahiye, ye hume nikalna. And for that,
we have made certain rules. These are very logical rules. और हम लोग भी समझ सकते हैं उसके लॉजिक को समझकर हमने बोलेंगे यस द रूल इज करेक्ट इट इज मेड फॉर दैट सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स हाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कैरिड ओवर एंड वी विल डू सर्टेन एक्सरसाइज ऑन दैट फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स थैंक यू